आज का महानगर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरहन क्षेत्र के गांव तिहेया से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर रविवार रात 11 बजे के समय एक दरोगा नशे की हालत में तिहेया गांव के एक मकान में दीवार फांदकर घुस गया और वहां पर एक युवती से जबरन छेड़खानी करने लगा। साथ ही युवती को धमका भी रहा था कि अगर उसने दरोगा की बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार को झूठे केस में फंसा देगा। परंतु युवती के शोर मचाने पर घर के अन्य सदस्य जाग गए और उन्होंने दरोगा को आपत्तिजनक अवस्था में धर दबोचा और खम्भे से बांधकर उसकी पिटाई भी कर दी। मामले की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दरोगा को वहां से छुड़ाकर पुलिस थाने ले आई। थाना बरहन में तैनात दरोगा संदीप कुमार ऐसी इस दरोगा की पहचान हुई है। मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आते ही दरोगा संदीप कुमार को सस्पेंड किया गया है और विभागीय जांच भी चल रही है। देखिए इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है वरिष्ठ अधिकारियों ने और किस प्रकार वहां के हालात थे। यही पुलिस वाला है जो गांव में बना हुआ है। इस वक्त पूरा फोर्स खड़ा हुआ है। ये पतंजलि है। अठारह की रात्रि 1 बजे ग्रामीणों द्वारा ये सूचना दी गई कि उक्त थाने में नियुक्त सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार इस गांव की युवती के साथ पकड़े गए हैं। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल रूप से डीसीपी वेस्ट महोदय के आदेशानुसार उक्त दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ कठोरतम विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।